एनीमेटेड प्लाट्स ऐसे प्लाट्स होते हैं जब आप उन पर प्ले का बटन दबाएँ तो वो एनीमेट करने लग जाएँ बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ पैरामीटर्स और ये यूजली यूज़ होते हैं जब आप टाइम की बेस पर किसी चीज़ को एनीमेट करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि उन्नीस सौ इक्यानवे बानवे तिरानवे या उन्नीस सौ नवासी अस्सी इक्सी या उन्नीस सौ उनचास पचास इक्यावन बावन तिरपन से अनटिल नाउ पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टम्परेचर चेंजेस आए हैं तो आप उनको हर ईयर वाइज ईयर वाइज उनको अगर एनिमेट करना चाहिए उन्हें एनिमेटेड प्लॉट्स कहते हैं ठीक है और इन एनिमेटेड प्लॉट्स के पीछे थ्योरी क्या होती है और कौन सी लाइब्रेरी ज़्यादातर यूज होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ सबसे पहला काम है कि मैं यहाँ पे अपनी एक नोटबुक नई वाली बना लेता हूँ जीरो फोर अंडर स्कोर एनिमेटेड अंडर स्कोर प्लॉट्स डॉट आई पी वाई एन बी करके अब इसके अंदर जो मेन काम है हमारा हमने कर्नल साहब सेलेक्ट कर लिए जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे एनिमेटेड प्लॉट्स के लिए वो हैं जनाब आपकी ओनली सिंगल लाइब्रेरी विच इज़ कॉल्ड प्लॉटली वी विल यूज़ प्लॉटली टू मेक एनिमेटेड प्लॉट्स और उसी से हम डेटा इकट्ठा करेंगे सो so, सबसे पहला काम ये है कि आपने पाइथन में चले जाना है पाइथन में जाने के बाद आपने जुपिटर नोटबुक इस तरीके से ओपन कर लेने जो मैंने पहले की हुई है जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के साथ ही एक एक मिनट जी जुपिटर नोटबुक को ओपन करने के साथ ही यहां पे मैं कोड को पहले पेस्ट करता हूं फिर आपको समझाता हूं कि ये कोड क्या है और किस तरीके से ये एनिमेट करेगा एंड इसको चंक बाय चंक हम देखने वाले हैं सबसे पहला काम आपने करना है अपनी इंपोर्ट प्लॉटली डॉट एक्सप्रेस एक्सप्रेस एज पी एक्स ठीक है इसको हमने इंपोर्ट कर लेना है ये कर लिया हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने लगा नंबर वन है इंपोर्ट लाइब्रेरी सेकेंड काम है आपका इंपोर्ट डेटा सेट डेटा सेट करने के लिए जो हम काम करने वाले हैं वो है पीएक्स के अंदर से डेटा हमने लेना है और डॉट ये सारे के सारे डेटासेट डेटा सेट और रेडी मौजूद हैं प्लॉट के अंदर ये सारे के सारे ठीक है तो आप कोई भी इसमें से ले सकते हैं जो मैंने डेटा जो यहां से चूज किया है दैट इज कॉल्ड गैप माइंडर ये गैप माइंडर का डेटा है और इसको मैं आपको दिखा भी देता हूं एक्सप्लोर डेटा तो ये डेटा सेट है हमारा ये प्लॉटली के अंदर ही हमने ले लिया कोई और लाइब्रेरी से नहीं लिया तो इसमें कंट्री के नेम है कॉन्टिनेंट वाइज है ईयर है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है हर कंटिनेंट की या या, कंट्री की फिर हमारे पास यहां पे पॉपुलेशन है फिर हमारे पास जीडीपी डी पी पर कैपिटल आई एसओ अल्फा है मतलब ये कि इनका जो बेसिकली जो शॉर्ट एब्रीवेशन है फिर उसका नंबर है ठीक है तो हम कुछ चीज़ें इसमें से एनिमेट करवाएंगे और प्लॉट करवाएंगे ठीक है अगर हम इसको सनबर्स प्लॉट के अंदर बनाते तो आपको पता है कि हम पिछले जो लेक्चर के अंदर सनबर्स प्लॉट देखे वैसे बना सकते थे और फिर हम उसको आगे ले चल सकते थे फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं से अगर आपको सनबर्स प्लॉट बनाना दिखाऊं कॉपी करता हूं मैं पीछे वाला कोड जो पिछले लेक्चर में मैंने दिया था मैं यहां पे पहले सनबर्स प्लॉट आपको बना के दिखाता हूं हमने डीएफ के ऊपर बनाना है और यहाँ से हमने लेना है सबसे पहले जनाबे वाला कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट के बाद कंट्री आता है क्योंकि कॉन्टिनेंट से छोटा है तो यहाँ पे लिखेंगे कंट्री कंट्री के बाद हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल ईयर इफ आई कैन राइट इट हीयर और फिर हमारे पास एज सच कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो हम यहाँ पे लिख सकें सो so, हमारे पास जो कॉन्टिनेंट है इसके बाद कंट्री है मैं कॉन्टिनेंट की बेस पे ही कलर कर देता हूँ इसको जो सनबर्ड प्लॉट है और यहां पे जो वैल्यू है मैं वो दे देता हूं पी की तो मैं इसको रन करता हूं एंड इट्स देयर अगर आप गौर करें हमारे पास ये है कॉन्टिनेंट एशिया अमेरिका अफ्रीका यूरोप और फिर उसके बाद हमारे पास दूसरे भी कॉन्टिनेंट है यहां पे ठीक है ओशनिया है और ओशनिया एंड यस सो हमारे पास ये कॉन्टिनेंट खैर बाय द वे जो डेटा मेरे पास है मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं एशिया पे क्लिक करता हूँ तो एशिया मेरे पास ओपन हो जाएगा इंडिया चाइना बांग्लादेश और बाकी कंट्रीज़ में सारी बात है चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली डेटा में ही आपको पता चल रहा है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है पाकिस्तान पर क्लिक करता हूँ तो ये पॉपुलेशन का पूरा डेटा आ गया उन्नीस में कितना सा सतावन बासठ सड़सठ बहत्तर सतर तो हर पाँच साल बाद का डेटा हमारे पास तकरीबन है और उन्नीस से दो हज़ार सात का है। अगर आप गौर करें उन्नीस से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई या कम ही नहीं हुई ठीक है तो अगर आप गौर करें हमारे पास पॉपुलेशन दो में इतनी थी अगर मैं वापस जाता हूँ सेम हाल इंडिया का होगा अगर आप गौर करें तो उन्नीस सौ से बढ़ ही रही है इसी तरीके से चाइना का भी हाल हो सकता है लेकिन सम हाउ उनकी पॉपुलेशन फिर डिक्रीज़ भी की थी सो तो अगर आप गौर करें यहाँ से तो उन्नीस सौ बानवे सतानवे दो हज़ार दो सात और कुछ यहाँ पे फ़र्क आपको नज़र आएगा कुछ सिमिलर भी नज़र आता है जब इनके कोई रूल्स आए थे अबाउट द पॉपुलेशन मै एम नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू दैट फिर यूरोप की बात करते हैं यूरोप में जर्मनी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से डेटा आ रहा है आप देखें कि बड़ा हैंडीडेंडी प्लॉट हमारे पास मौजूद है और इसके लिए आपके सिस्टम की स्पेक्स अच्छी खासी होनी चाहिए तो अगर आपका सिस्टम स्लो है प्लीज डोंट मेक दिस प्लॉट अब हम चलते हैं अपने एनिमेटेड प्लॉट की तरफ एनिमेटेड प्लॉट के लिए जो अगला हमारा काम है उसके ऊपर हम जाते हैं सबसे पहला हमने काम करना होता है फिग इज इक्वल टू हम इस तरीके से भी बना सकते हैं या सिंपली डायरेक्टली हम चले जाएंगे पी एक्स डॉट स्कैटर मैं स्कैटर प्लॉट बनाऊंगा जिसको हम बबल प्लॉट कहते हैं वो बनाऊंगा इसके ऊपर सबसे पहले हमने df डिफाइन किया कि डेटा हमारे पास क्या है फिर मैं यहीं से उठा के कॉपी कर रहा हूं लेकिन बारी बारी आपको समझा के बताऊंगा सबसे पहले df उठाया फिर हम कहते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू जो जी डी पी पर कैपिटा है ना जी डी पी पर कैप ये हमारे पास एक्स आ गया ठीक है अब मैं कोमा डाल के एंटर मारूंगा ताकि आपको बारी, बारी बारी बाकी चीज़ें भी दिखा सकूं यह हमारे पास एक्स आ गया और वाई इज इक्वल टू है हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी लाइफ ई एक्स पी सिंपली मैंने ये लिख दिया अब इतना अगर मैं आपको दिखाऊं और हम इसको साइज जो है वो दे दें पॉपुलेशन का साइज इज इक्वल टू पी ओ पी पॉपुलेशन का और इसके बाद कलर इसको दे दें कॉन्टिनेंट की बेस पे यानी कि कलर इज इक्वल टू कॉन्टीनेंट ठीक है हम कलर दे देते हैं कॉन्टिनेंट की बेस पे और हम क्या करते हैं एक्स हमारे पास जो है वो है जीडीपी पर कैपिटा उसका लॉग भी ले, ले लेते हैं इफ यू वांट टू डू दैट अदरवाइज अगर मैं इसको यहीं पे क्लोज करूँ तो मेरे पास कुछ इस तरीके से एक बबल प्लॉट बन जाएगा अब आप अगर गौर करें हमारे पास ये बबल प्लॉट है ठीक है बबल प्लॉट का मतलब यह है कि हमारे पास जो प्लॉट यहां पे बन के आया है ये हमें पॉपुलेशन भी दिखा रहा है एंड शोइंग अस सम पॉइंट्स मैं इसको जूम इन करता हूं तो हर कॉन्टिनेंट की बेस पे ये हमारे पास एक बबल प्लॉट बन गया है लेकिन वो एक जगह पे स्टैटिक है रीजन क्या है क्यों स्टैटिक है क्योंकि हमने ना तो एनिमेशन फ्रेम दी है फ्रेम क्या होता है कि हर साल का एक सेपरेट फ्रेम बने और ना ही हमने एनिमेशन ग्रुप दिया है ठीक है तो अगर हम एनिमेशन फ्रेम देते हैं ईयर का मैं यहीं से इसको Uh, यहां पे दे देता हूं कॉमा एनिमेशन फ्रेम इज इक्वल टू ईयर ईयर मैं इसको रन करता हूं एंड लुक हेयर यू हैव नाउ एन एनिमेशन सिंपल और आप चेक करें ये हमारे पास एनिमेट कर रहा है प्लॉट सिंपली सिर्फ एक एक्स्ट्रा कमांड लगाने से आपका प्लॉट एनिमेट कर रहा है लेकिन आपका वो जो कॉमन होना चाहिए सारा कुछ जो एनिमेशन आप कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे इंडिया के अंदर जाता हूं तो मेरे पास उन्नीस से बानवे ले से लेके सॉरी 2007 तक सारे ईयर हैं और सेम साल मेरे पास पाकिस्तान के भी हैं सेम साल मेरे पास चाइना के भी हैं सेम साल मेरे पास हर एक कंट्री के हैं और यही नहीं अभी और सुनिए यूरोप में अगर मैं कहीं पे जाता हूँ उनके पास भी सारे के सारे सेम साल हैं मतलब उन्नीस से बावन से ले लेके 2007 तक सो इन दिस वे आई शुड हैव All these frames available for every kind of डेटा सेट तो आपके पास ये एनिमेटेड प्लॉट बनकर आपके सामने आ जाएगा ठीक है और नीचे आप चेक करें प्लॉट की खूबसूरती ये है कि आपको यहाँ पे प्ले का बटन मिलता है अब मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ एशिया के यहाँ पे प्ले करने का और अगर आप गौर करें ये एशिया का हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ रही है और ये इस तरह प्ले हो रही है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंट्रीज लेकिन अगर आप गौर करें हमारे पास ना तो हमें कंट्रीज़ का पता है और ना ही हमारे पास डेटा जो है वो बहुत जबरदस्त जबरदस्त शो हो रहा है अगर आप गौर करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी की बढ़ रही है किसी की कम हो रही है और जीडीपी पर कैपिटा यहां पे है एक्स और वाई हमारे पास दो हैं बट इफ वी वॉन्ट टू एनिमेट ईच ग्रुप ऑफ कंट्री ठीक है, है? यानी कि अगर मैं यहां पर एनिमेशन ग्रुप जो है वो मैं कंट्री का लिखूं नाउ यू विल सी अ चेंज अब आपके पास जो एनीमेशन ग्रुप होगा वो कंट्री वाइज चल रहा है ठीक है यानी कि कंट्री जो हैं वो ग्रुप वाइज एनीमेट करेंगे समझ रहे हैं बात को हर कॉन्टिनेंट के कंट्रीज जो हैं वो एनीमेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन डेटा और यहां पे इसको मैं क्लिक करता हूं अगर आप गौर करें ये हमारे पास एनिमेशन आ गई है बट स्टिल वी हैव समथिंग रिलेटेड टू जीडीपी पर कैपिटा अगर आप और करें जीबीटी जीडीपी पर कैपिटा बहुत बड़ा यूनिट है फिफ्टी के यानी कि फिफ्टी थाउजेंड तक जा रहा है बट इफ आई टेक लॉग एक्स ऑफ दिस तो यहीं पे हम इसका लॉग ले लेते हैं जीडीपी पर कैपिटा का लॉग एक्स इज इक्वल टू ट्रू देखिएगा अब चेक करें अब आपका जीडीपी पर कैपिटा कुछ इस तरीके से आ गया सही है अब आपका जो डेटा सेट है वो बेसिकली जीडीपी पर कैपिटा की बेस पे आ चुका है लेकिन यहां पे अभी भी कोई मसला चल रहा है वो क्या मसला है हमने रेंज नहीं बताई एक्स की और वाई की तो हम यहां से ये यह रेंज भी बता देते हैं और साइज मैक्सिमम हम भी बता देते हैं कि मैक्सिमम साइज हमारे पास कौन सा आना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ये हम रेंज बता देते हैं रेंज वाई का मतलब है कि यहां से यहां तक रेंज कितनी है और यह आपको कैसे पता चलती है अगर आप गौर करें मिनिमम से मैक्सिमम यहां से देख सकते हैं तो पच्चीस से नब्बे ये सौ से वन ये है और साइज मैक्सिमम हमारे पास 55 है विच शोज अस द मैक्सिमम साइज ऑफ वन वैल्यू तो अब हमारे पास ये प्लॉट कुछ इस तरीके से बने आप चेक कर रहे हैं ना ठीक है तो जीडीपी पर कैपिटा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है राइट right? और अगर हम जो ये कोड दिया हुआ है इसी की बेस पे जीडीपी पर कैपिटा को दोबारा से मैं प्लॉट बनाऊं सो इट्स एग्जैक्टली सिमिलर लेकिन हमने तोड़ के इसको अब समझे कौन कौन सी चीज कैसे मैटर करती है अगर मैं इसको हंड्रेड थाउजेंड की बजाय सौ से सिर्फ हजार तक कर लेता एक्स की रेंज को तो क्या होता चेक करें जहां पे हजार आ रहा है ना उससे आगे आपके पास यहां पे फ्रेम नहीं शो हो रहा ठीक है लेकिन आप इस पर क्लिक करके आप सारे के सारा डेटा शो कर सकते हैं लुक तो यहां से आपको पता चलता है कि आपका फ्रेम किस तरीके से चल रहा है और ये एनिमेटेड प्लॉट आपको इस तरीके से नजर आ जाता है ठीक है सो यू हैव टू मैनेज दिस थिंग बेस्ड ऑन द वैल्यूज जो यहाँ पे नीचे दी गई हैं और 25 से 90 जो हमने दिए अगर हम इसको 5 से 90 कर देते हैं तो ये 5 से स्टार्ट हो रही है अब नब्बे की बजाय अगर हम सौ कर देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से y का स्केल जो एक्सिस है ना y एक्सिस वो मिनिमम से मैक्सिमम हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगे एंड दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली एनिमेट दिस ठीक है समझ आ गई बात की एंड दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट एनी काइंड ऑफ एनिमेशन प्लॉट लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि आपका एनिमेशन जो आप कर रहे हैं वो सभी में कॉमन होनी चाहिए अगर मैं इसको यर की बजाय एनिमेशन को यर की बजाय मैं इसको किसी और पॉइंट पे कर लेता सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं इसको करता हूँ यहाँ पर बल्कि कंट्री की बेस पर मैं कॉन्टिनेंट कर देता हूँ बल्कि इसको मैं कॉपी करके नीचे लाता हूँ पहले और आपको दिखाता हूँ कि अगर हम वैल्यूज चेंज करें तो क्या होगा यहां पे कॉन्टिनेंट की बजाय मैं लिख देता हूं लिख देता हूं कंट्री यहां पे कर देते हैं कॉन्टिनेंट रन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अब क्या हुआ है ये जितना राइट right साइड पे आ रहे हैं ना कॉन्टी कलर्स ये सारे के सारे हर कंट्री को शो कर रहे हैं जो दुनिया में जहां पे भी हैं ठीक है अब यहां पे हमारे पास आ रहे थे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट तो हम यहां पे एशिया के ममालिक को भी कर सकते थे सिंपली ऐसे ठीक है तो हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से कंट्रीज हैं यहां पे लेकिन हमने क्योंकि कॉन्टिनेंट सेलेक्ट किए थे सो नाउ वी कैन एक्चुअली चेक एंड क्लिक ऑन दोज यहां पे हम अफगानिस्तान अल्बानिया जो भी कंट्री करना चाहते हैं वो कर सकते हैं सभी को अनचेक करके सिर्फ पाकिस्तान भी आप कर सकते हैं इट्स अप टू यू सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट द डेटा साइट बेस्ड ऑन द कलर्स एंड देन यू कैन एक्चुअली सी कि यहां पे हमारे पास जो एनिमेशन ग्रुप है वो कॉन्टिनेंट का है अब अगर आप गौर करें ना तो हमारे पास जो एनिमेट कर रही है ना चीज़ वो कॉन्टिनेंट वाइज कर रही है एक कॉन्टिनेंट करेगा मूव फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा वो मतलब हर कॉन्टिनेंट एक बारी में मूव कर रहा है अगर हम यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बजाय कंट्री की बजाय कॉन्टिनेंट कर दें तो हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो ही सिर्फ मूव करेगा लाइक दिस नाउ यू हैव एन आइडिया ठीक है सॉरी यहां पे नहीं करना था यहां पे करना था कंट्री इट विल टेक अ टाइम क्योंकि कंट्रीज़ हमारे पास तकरीबन सौ से भी ज़्यादा होंगे इस डेटा सेट में नाउ यू विल सी कि अब जो मूवमेंट हो रही है ना ये आप चेक करें ये जो कॉन्टीनेंट हमारे पास मूव कर रहा है वो उसकी बेस पे नहीं चल रहा हमारे पास अब कंट्री की बेस पे एनिमेशन हो रही है आप सिर्फ ऑरेंज वालों पर ज़रा गौर कीजिएगा सारे ऑरेंज डिफरेंट बेस पे चल रहे हैं खुद से एनिमेट हो रहे हैं ठीक है अगर हम कॉन्टिनेंट वर्स करते तो वो डिफरेंट तरीके से हो रहे थे सो दिस इज़ आउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट योर ऑन एनिमेशन एनिमेशन फ्रेम्स हम पे कॉमन होना चाहिए और वो एक टाइम पॉइंट होना चाहिए जिस पे आपकी एनिमेशन हो फ्रेम्स क्या होते हैं अब आपके पास टोटल कितने फ्रेम हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो ग्यारह फ्रेम्स आपके डिफरेंट डेटा को बताते हैं और जैसे ये फ्रेम मूव करता है आपकी वीडियो बनती है एनिमेशन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और आप हर एक कंट्री पे रोक के ना वहाँ का डेटा की तस्वीर भी ले सकते हैं ठीक है और अगर आप चाहें तो इसको इस तस्वीरों को कॉपी पेस्ट करके आप अपनी एनिमेशन भी बना सकते हैं मतलब मल्टीपल इमेज को इकट्ठा रख के सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली रिकॉर्ड योर ऑन एनिमेशन एज वेल एक छोटा सा आपके लिए असाइनमेंट ये है हाउ टू एक्सपोर्ट हाउ टू एक्सपोर्ट दिस प्लॉट एज ए वीडियो और जी जिफ फाइल ये आपकी असाइनमेंट है और ये असाइनमेंट मैंने जानबूझ के दी है, है तो बहुत आसान ये आपने सिर्फ कोड भेजना है हाउ टू एक्सपोर्ट दिस प्लॉट एज ए वीडियो और पी जिफ और जिफ फाइल वीडियो यानी कि एम पी फोर होनी चाहिए ए वी आई भी हो सकती है एम पी फोर भी हो सकती है सो so, अगर आप ये बना लेते हैं ना जिफ फाइल के अंदर तो आप अपने सोशल मीडिया पर तहलका मचा सकते हैं क्योंकि इतना डेटा अवेलेबल है ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल वैदर का डेटा अवेलेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ वैदर डेटा ऑफ पाकिस्तान फ्राम नाइनटीन सिक्सटी फाइव टू ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो अगर आप इस तरीके से सर्च करने बैठें तो आपको डेटा सारे का सारा मिल जाएगा लाहौर का मिल जाएगा कराची का मिल जाएगा यू कैन एक्चुअली क्रिएट एन एनिमेशन बेस्ड ऑन दैट हर किस्म के डेटा के साथ जिसके साथ यीयर्स आते हैं पॉपुलेशन का हो गया वेदर का हो गया देर आर मेनी अदर डेटा सेट्स तो आप उनके ऊपर काम करके उस डेटा सेट को डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप गूगल डेटा सर्च पर जाएँ गूगल डेटा सर्च पे जाने के बाद आप गूगल डेटा सर्च का जो सर्च इंजन है उसे ओपन करें ओपन करने के बाद आप यहां पे कोई भी डेटा लिखें फॉर एग्जाम्पल मैं यह लिखता हूं पाकिस्तान जी डी पी आई एम जस्ट राइटिंग फ्यू की वर्ड्स लेट सी कौन सा डेटा हमारे पास आता है तो ये हमारे पास फ्री पे हम क्लिक करेंगे तो फ्री वाला डेटा आ जाएगा ऑब्वियसली ज़्यादातर फ्री होता है तो ये हमारे पास आया और ये एक्सएल एक्स एस एक्स की फ़ाइल हमारे पास पड़ी है और ये 2023 का डेटा सेट है सी सी बाई ठीक है तो ये फ्री का होगा डेटा सेट लेट सी तो इस तरह के डेटा सेट आप ओपन कर सकते हैं मैंने तो एम लिख दिया है ईयरली बेसिस आप यहाँ पर सिंपली जी भी लिख देना पाकिस्तान जी और फ्री पे क्लिक करें तो आपके पास डिफरेंट किस्म के डेटा सेट्स आ जाएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ़ वेरियस सेक्टर ऑफ पाकिस्तान तो आप इस पर केगल पर भी जा सकते हैं जी डी पी ऑफ पाकिस्तान फ्राम नाइनटीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन यहाँ पर क्लिक कर लें तो ये डेटा सेट आपके पास आ जाएगा ये डेटा हमारे पास मौजूद है मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इट विल टेक अ बिट लेकिन ये जब मेरे पास आ जाएगा दैन आई कैन शो यू कि ये किस तरीके से काम करता है ये डेटा सेट मेरे पास आ चुका है मैं इस डेटा को प्लॉटली प्लॉट्स के अंदर ही पांडा स्ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर है अच्छा जी तो ये मैं पांडा स्ट्रिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर ले गया था इसको ले के आते हैं यहाँ पे तो ये हमारे पास डेटा सेट है अगर आप चेक करें तो यहाँ पे ईयर्स भी हैं हमारे पास सारे के सारे आप इस डेटा सेट को देख के इसकी एनिमेशन बना सकते हैं अदर दैन द वन जो भी आपने बनाया तो सिटीज़ के अंदर भी आ गया इस्लामाबाद कराची मुल्तान रावलपिंडी लेकिन अगर आप चेक करें तो इसने पाकिस्तान भी दिया हुआ है so, सो डेटा सेट कोई ख़ास अच्छे तरीके से फैच uh, नहीं हुआ बट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट एंड द अदर वन इज़ दिस वन जी डी पी ऑफ पाकिस्तान तो अगर मैं इसको यहाँ से डाउनलोड करूँ दिस डाटा साइट फ्राम हेयर ये मेरे पास हो गया डाउनलोड और इसको मैं उठा के पाइथन फोर डेटा साइट्स में ले जाता हूँ प्लॉटली प्लाट्स में ले जाता हूँ इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ जी डी पी ऑफ पाकिस्तान तो ये चेक करें ईयर वाइज हमारे पास जी आ रही है जी पर कैपिटा आ रही है ग्रोथ आ रही है एनुअल चेंज आ रही है तो ये सारे के सारे को आप एनिमेट करके खूबसूरत सा प्लॉट बना सकते हैं तो लिंक जैसे मैंने निकाले आप भी ऐसे निकाल सकते हैं एंड देन यू कैन क्रिएट योर डेटा विजुलाइजेशन जो एनिमेटेड प्लॉट्स हैं और बिलीव मी एनिमेटेड प्लॉट्स अगर आपने अच्छे से बनाए हैं और सोशल मीडिया पर आप इसे अपलोड करते हैं ना हर बंदे की अटेंशन कैप्चर करते हैं ये एनिमेशन तो प्लॉट बनाने के अंदर आपको सेंस होनी चाहिए कि कैसे बनाने हैं इसी तरीके से ग्लोबल जी आई एस मैप्स के प्लॉट्स होते हैं जो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको बताऊंगा नाउ इज द टाइम टू कंप्लीट योर असाइनमेंट ठीक है कोई एक आधा डेटा सेट डाउनलोड करके उस पर एनिमेशन प्लॉट बनाएं